फाइनली फर्दा लग गया है, ये वाला जो है ना इसमें खाली रखे हुए हैं। हम बस दो जोड़ जूता है और भी इसको खरीदने के लिए बोले गए हम, ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखे, ये वाला जो हम चप्पल रखते हैं वही। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को फिर से और एक नया ब्लॉग में। तो गाइस यहाँ पे ना धूप भी नहीं निकलेगा, पता नहीं कि ऐसा क्यों हो गया। पूरा अभी भी थोड़ा थोड़ा फॉग गिरा हुआ है। और वहाँ पे आ चुके हैं मम्मी का डॉगी और यहाँ पे रखे हुआ है सरसों, मम्मी का सरसों। तो पूरा सुबह सुबह ऑफिस निकले चले गए तेल निकालने के लिए, और मेरा वाला जो है वो सूखा नहीं है ना, तो इसीलिए मैंने आज सोचा था आज धूप देगा तो आज मैं थोड़ा धूप में दे दूँगी, काल में ही पीसने जाऊँगी यही सोचा था। तो पता नहीं धूप देगा या नहीं देगा, तो धूप नहीं देने से भी पीसने जाऊंगी और देने से भी जाऊंगी, क्योंकि मुझे आज नहीं जाना है कल ही जाना। जो हम लोग दुकान से खरीद कर रखा था तेल वो भी ख़त्म हो रहा है, तो इसीलिए सरसों पीसने जाना है। तो गैस अभी तो मैं खाना बनाऊंगी, और जो कल मम्मी ने बाज़ार से ला के दिया था बैत वो है, तो आज मैं बैत का सब्जी भी बनाऊँगी। और मेरा पतिदेव यहाँ पर वो दवाई वगैरह मार देगा, मुझे खेती वगैरह करना है ना ऐसे, और खीरा और जो गर्मी का सीज़न में लगाते हैं ना वही सब इसमें करेंगे थोड़ा थोड़ा, बाकी सब तो उसमें करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा करेंगे वो वाला ज़मीन में। तो यहाँ पे तो बस थोड़ा थोड़ा ही करेंगे, मैं घर का सामने कोई खेती वगैरह हो ना तो इसे तोड़ के लेके आने से बनाने में अच्छा लगता है, थोड़ा दूर में होने से टाइम भी लगता है, इसीलिए यहाँ पर करूँगी। यहाँ पर तो ऑलरेडी है बैगन का पेड़ और मैंने पहले से ही लगाया था इसमें, ये देखिए ना ये वाला जो हम लोग कहते हैं हदावागोर, ये वाला लगाए थे हमने। मेरा पति तो अभी 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 उठा है, अभी तक मुंह नहीं धुलाए, लुंगी पहन रहा है बस, दिख रहा है जो भी हो सबको सताइए। तो गैस मैंने इसमें तो चावल चरा दिया है, ये कढ़ाई काली है, मैंने वो सफा करके लेके आया था, तो मुझे अभी बैट वगैरह सिलना है। और यहाँ पर रखा हुआ बैट, तो मैं अभी सिलूंगी बैट, ये वाला बैट। लग गए कांटे, लग गए। तो गाइस यहाँ पे देखिए मैंने बैत को भी पूरा वो कट लिया है, इस ये ना पानी में भिगो के रखना पड़ता, पूरा कलर निकल आता है, ये देखिए पूरा काला काला हो चुका है, ये कोई गंदा बंदा नहीं है, बस कलर है, हाथ में भी लग गया है। और यहाँ पे मैंने पहले से ही कट के रख दिया, यहाँ पे है प्याज और मिर्ची और ये मसाला और ये ड्राई पीस, और मैंने ये राइस फ्लोर पीस के रख दिया है। और अभी डाल देते हैं तेल इसमें, तेल भी गरम हो चुका है, तो अभी डाल लेते हैं इसमें प्याज। वाओ। और गैस यहाँ पे मैं बना रही हूँ बनाना फ्लावर, और नमक देख के बस बॉयली कर रही हूँ, बहुत यार टेस्टी होता है।
और यहाँ पे मुझे मेरा पति देव हेल्प कर रहा है क्योंकि ना इसको भूख लग रहा है इसलिए हेल्प कर रहा है। ये देखिए ना एक बेड का सब्जी, अभी तक मैंने टेस्ट नहीं किया है। ये डालने के बाद मैं टेस्ट करूँगी कैसा हुआ है, नमक कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। तो गैस खाना भी रेडी हो चुका है, मैंने खाना बाहर निकाल लिया है। यहाँ पे देखिए ये है बनाना फ्लावर और ये है बेड का सब्जी और इसमें मैंने दही लिया है पूरा कतोरी भर के लिया है गैस। और यहाँ पे देखिए मिर्ची, थोड़ा सा बस मिर्ची है। खाना गैस खाना, ये तो बढ़िया है ये। मिर्ची तो गाइस मैंने वो खाना खा के सरसों भी धूप में निकाल दिया है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा धूप दे रहा है। और यहाँ पे मेरा छोटा भाई जो लाई पत्ता का बीस है वो लाठी से मार मार के अभी पूरा अच्छे से साफ कर देगा। और इस तरफ भी है थोड़ा मोरा अभी बाकी है, ये वाला भी काटना जरूरी है। ये वाला सरसों की तरह नहीं है, अभी थोड़ा पकेगा फिर एक हफ्ते बाद थोड़ा पकेगा करके पूरा टाइम लग जाता है गाइस। दोस्तों और लाई पत्ता का बीज मार के भी आ चुके हैं हम लोग, इतना मिला है लाई पत्ता का बीज। मेरा छोटा भाई फिर से मारने गया है, मैं तो ना आऊँगी क्योंकि मुझे ऐसे दो दिन हो गया मैं नहीं नहा रही हूँ और बहुत ज़्यादा वो गर्मी भी लग रही है तो अभी फिलहाल हम नहा लेते हैं। तो दोस्तों मैंने नहा भी लिया है और नहा के बहुत ज़रा फ्रेश फ्रेश लग रहा है। तो पति देव अभी दवाई मारेगा ये वहाँ पे, जो मुझे खेती वगैरह करना है थोड़ा थोड़ा सब्जी लगाना है ना इसीलिए यहाँ पे डबल डाले। कितना डाले हो? तीन दक्कन। और गैस ये देखिए ये है हम लोग का जो जो चप्पल रखने वाला है ना, तो यहाँ पे हम लोग चप्पल रखेंगे। ये सबसे नीचे वाला में मेरा पति देव का रखेगा और इसमें मेरा ही रखेगा, ये बाकी सब उसका तो कमी है तो मेरा थोड़ा ज़्यादा है। वाओ अपने आप वो अलमारी बंद हो गया है। तो यहाँ पे रखेंगे चप्पल जो ये वाला ना ऑनलाइन ख़रीदा था ऐसे 400 कितने रुपए में था, ये तो पता नहीं कहाँ रखेंगे। चेयर वगैरह जो हमने कपड़ा पहला के रख दिया था वो बाहर रखेंगे, ये चेयर वगैरह तो ये वाला यहाँ पे रखेंगे। और गैस अभी आप लोग को भी दिखाते हैं हम यहाँ पे, देखिए ना
पर्दा मंगाया है यहाँ पे लगाने के लिए इस तरफ से उधर, और सीलिंग अभी तक हम लोग ने वो रिपेयर नहीं किया है, रिपेयरिंग ना पता नहीं क्या बोलते हैं। तो ये पर्दा खोल कर देख लेती हूँ एक बार। तीन पीस मंगाया था, वो बहन ने शायद खोल दिया होगा, तो ये वाला खोल कर देखते हैं। ये भी लगाएंगे गैस, ये वाला पर्दा ना पकड़ने में बहुत ज़रा अच्छा। ये भी ऑनलाइन मंगाया था एक्चुअली, ये यहाँ पे नहीं आता ना, इसीलिए वो नमसा में ये एक भैया है उसने ये रिसीव किया था। पहले खोल लेते गैस, बहुत बड़ा ये अच्छा वाला पर्दा है इसका अंदर का, और ये थोड़ा मोटा भी है, अच्छा है ये वाला। तो दोस्तों मैंने कल नहाने के बाद में वो वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि ना हम लोग मावरे में गए थे और जो अदरक का खेती है ना, तो वहाँ पे जाना पड़ा और देखना पड़ा, बहुत बड़ा जंगल है गाइस। तो भैया ने तुरंत कॉल किया कि यहाँ पे आओ, जो ज़मीन देखो अदरक लगाने के लिए, क्योंकि ये वाला ज़मीन है ना जो पहले हम लोग लगाए थे, वो वाला वो पम्पकिन का बीज होता है ना वो लगा दिया है, इसीलिए दूसरा जगह देखना पड़ा। बहुत ही बड़ा जंगल है गाइस, पता नहीं कैसा होगा वहाँ पे, और मिट्टी तो अच्छा है लेकिन बहुत सारा वो खुजली पत्ता भी है। तो यहाँ पे मैं कुकिंग कर रही हूँ, और मशरूम और मछली कुकिंग कर रही हूँ, वो भी पत्ते में रैप करके बना रही हूँ। तो खाना खाने के बाद फिर वहाँ पे जाएंगे हम लोग। तो मैं अभी खाना बना लेती हूँ, उसके बाद मुझे पर्दा वगैरह और जूता वो सब सेट करके रखना है अच्छे से। मैं खाना बनाते बनाते ये वाला बेम्बो लेके आई हूँ पर्दा लगाने के लिए, और वहाँ पे तैयारी चल रहा है अभी खील मारने का तैयारी। तो यहाँ पे पर्दा लगाएंगे, इस तरफ लगाएंगे, यहाँ पे एक खील रहेगा और वहाँ पे एक खील रहेगा पर्दा लगाने के लिए। इतना खुला खुला अच्छा भी नहीं लगता ना इसीलिए, और मछली अभी तक रेडी नहीं हुआ है, और कम से कम एक दो पत्ता जलना चाहिए, एक भी नहीं जला। पानी डाल रहे ना और था मैं फिर से, हाँ इसीलिए। तो यहाँ पे मेरा छोटा भाई खील मार रहा है, देखो पतिदेव ने क्या कर दिया, पूरा कढ़ाई जला दिया, बोल रहा था एक भी पत्ता नहीं जला, बट कढ़ाई जल गया ना। यहाँ पे देखो पूरा खला खला हो चुका है, पता नहीं अभी रेडी हुआ है कि नहीं, खोल होगा, खोल के देख लेते हैं एक बार। तरत देखते हैं, टेस्टिंग करेंगे ना, हो गया होगा ना, पता नहीं देखा गया। पानी है, हाँ हो गया है, हो गया पत्ता को, और जलने दो मैं सफा करूंगा। छोटा हो गया, छोटू ऐसे तो छोटा हो गया रे, तूने तो खाद दिया ना, तेरा ही गलती है, फिर से एक तो काट के ले खाना, छोटा है पर क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे बड़ा वाला लेके आया है काट के, इसको भी काटना है, पूरा धार है ये। और गाइस थोड़ा अच्छे से माप भी लिया है, तो अभी अंदर पर्दा घुसाना है, इस तरफ से घुसाते हैं ना पर्दा। Mm-hmm.
फिर से वहां पे एक ही लगेगा क्योंकि ये पूरा वो होता है ना, गिर जाता है जैसा लगता है। संभाल के दोनों, फुल प्राइवेसी रहेगा गाइस। अभी हो गया गाइस अच्छे से, और इसमें मुझे जूता वो जूता वगैरह सेट करना है। बस क्या है, एक जोर ही जूता रख दिया है और मेरा, भी मेरा। हाँ और भी है ना गाइस, फाइनली फर्दा लग गया है ये वाला जो है ना, इसमें खाली रखे हुए हैं हम लोग, क्योंकि इसमें वो मैं जूता वगैरह रखूँगी इसमें, तो इसीलिए खाली रखे हैं। तो यहाँ पे लग गया, बस हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है, अभी सुंदर भी लग रहा है ना। हाँ वो बात भी है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये डांस। खुश हो गया ये पर्दा मंगा के, तो मुझे ये कलर भी अच्छा लगा है, तो यहाँ पे तो नहीं रखेंगे, और इसमें मुझे खाना खा के जूता वगैरह क्या क्या है वही रखना है। और ये चावल ना हम लोग इस तरफ रखेंगे ना, वो उस तरफ रखेंगे, वो कोना भी रखेंगे, इसमें से रास्ता होता है ना आ जाते हैं, तो अच्छा भी नहीं लगता है। और ये आ चुके हैं फूनी सुबह सुबह ना, इसका मम्मी मम्मी के साथ गई थी, तो ये अकेले पर गई है बेचारी, इतना दुखी दुखी है ना फूनी, देखो तो पूरा दुखी, तो खुश भी नहीं है, उसका मम्मी नहीं है। तो गैस यहाँ पे मैंने खाना भी निकल लिया, ये मशरूम ये पत्ते में रैप करके बनाया है, और ये है वो मछली, ये भी रैप करके बनाया है, यहाँ पे बनाया है, और ये वाला मशरूम आग में बनाया है। आज हम लोग का घर पे सोता हुआ भी आ गया खाना खाने के लिए, और यहाँ पे देखिए मेरा पति इतना बड़ा थाली देखो ना, चावल भी इतना ज्यादा दे दिया, पूरा कम पड़ गया थाली में, और सब्जी भी देखो ना इतना ज्यादा दे दिया, बस थोड़ा सा दिख रहा है। खाना वगैरह तो हो चुका है दोस्तों, और मुझे अभी पति देव का जूता अच्छे से साफ करके रख देना है अलमारी में, और ये है उसका जूता, और मेरा यहाँ पे दो जो चप्पल है मैंने अभी अभी वॉश करके लेके आया है, यहाँ पे धूप में सुखाने के लिए दे दिया है, तो इसको मैं अभी अच्छे से ये वाला दुपट्टा से मैं साफ कर लूँगी, क्योंकि थोड़ा गंदा गंदा है ना यहाँ पे, तो इसीलिए अच्छा भी नहीं लगे। ये तो पॉलिश करने वाला एक आता होगा, उसी से पॉलिश करता होगा ये, अभी तो फिलहाल पॉलिश वॉलिश नहीं है, तो इसी से काम चलेगा। को देखो गाइस, अभी अभी मेरा पैन फाट दिया है, ये इतना ज्यादा बदमाश, ये देखो ना पूरा पैन फाट दिया है, इतना अच्छा वाला पैन था मेरा, नया नया पैन, अभी इसने खत्म कर दिया। हाँ हाँ इतना ज्यादा बदमाश हो गई हूँ, हाँ कोई अगर लॉन्ग पैन है इससे निकला पहनने से ना पूरा खत्म कर रही है, देखो ना गाइस पूरा फटा दिया है। तेरा दांत आजकल बहुत ज्यादा चलने लगा, देखो पुनी, देखो बेम्बू को भी काटने स्टार्ट कर दिया, तेरा दांत तोड़ देंगे हम, मेरा पेन फाड़ दिया इसने। अभी अभी फिर से एक गलती किया गैस, मेरा पेन तो फाड़ दिया ही दिया, और ये देखो हम लोग जहाँ पे वो सरसों मारते हैं, सरसों सुखाते हैं ना, ये बोला पूरा काट के खत्म कर दिया, ये देखो ना इतना ज्यादा बदमाश है पुनी, क्या ही बताए। ये देखो मैं सोचा, मैं थोड़ा सुना था, मैं सोचा था यही दुपट्टा काट रही है करके, बट ये काट दिया है, इतना ज़्यादा बदमाश, पता नहीं क्या क्या लेके आते हैं, गंदा बंदा खाना स्टार्ट कर, अभी तुमको हम नहला देते हैं। देखो यहाँ पे मैंने मेरा पति देव का जूता रख दिया, और यहाँ पे मेरा चप्पल रखा हुआ है, बाकी तो खाली खाली है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये भी पूरा फूल कर लेंगे। यहाँ पे देखो ये बस दो जोर जूता है, और भी इसको खरीदने के लिए बोलेंगे हम, ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखे, ये वाला जो हम लोग चप्पल रखते हैं वही। और यहाँ पे देखिए गाइस, पुनी अभी बटमाशे शुरू करके मैंने दो तप्पल लगा दिया, तो अभी अच्छे से सो रही है, अगर हम लोग जाएंगे बाहर में फिर से स्टार्ट कर दे, यहाँ पे यहाँ से हटाना पड़ेगा इसको, नहीं तो ये शुरू हो जाएगा, देखो बदमाश। तो गाइस आज का ब्लॉग को मैं यहाँ पे फिलहाल समाप्त कर लेती हूँ, और दोस्तों मेरा आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना, अच्छा लगा या बुरा लगा। तो कल मिलते हैं फिर से और एक नया ब्लॉग के साथ, तो बाय बाय।